जो आपके यहाँ पर फेडरल असम्बली जो यूजली ऐसा होता है हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर जो आप सी ई एम बोलता है तो वो जो इशूज़ को जो इस बार तीन में जो जीत के आया अंदर दे शिप और दोजी और ये रितम तले दोनों का लीडरशिप में जो टीम है एक प्लान बनता है कि ये हमारा कार्यकाल में मतलब ये तीन साल में क्या क्या काम को हम चार तरफ दिमाग में रखेगा और किस किस सोशल इश्यूज़ को हो लोग ग्राउंड में ले जाए तो ये चीज़ को क्या करता है कि हम लोग आपसू का ये होता है कि फेडरल असेंबली होती है इन फेडरल असेंबली ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट ट्वेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एलंग वही थ्री फोर मेंबर्स को हम यहाँ बुलाता हैं बुला के वहाँ में चर्चा करता है कि इस बार ये सेंट्रल मेंबर जो ये ये इशूज़ को टेकअप करने जा रहा है तो आप लोग का तरफ से कुछ इसमें मतलब कुछ डालना है या निकालना है मतलब ये इशूज़ में एनी ओमिशन और इंक्लूसन और डिलीशन जो भी है देट आर जस्ट टू बी डिस्कस्ट थी इसलिए यहाँ बुलाया जाता है फेडरल असम्बली में ताकि ये जो इशू है कल को जब सेंट्रल मेंबर इशू को उतरेगा सॉरी हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनियन जितना भी है ट्वेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट का जो भी है वो पूरा जान सके या ये आपसू का सेंट्रल मेम्बर का इशू है इसको कैरी फॉरवर्ड करना है बोल के जैसे कि आपका चकमा इशू से हमारा लो मंत्री रिजिजू साहब भी बोल चुका है हमारा सीएम भी बोल चुका है कि इसको डिपोर्ट करेगा अरुणाचल प्रदेश तो आप सब उसको ये प्रेशर करेगा कि अर्ली डिपोर्टेशन जिसकी जल्दी हटाना है जब आप लोग साथ में बोल ही रहे ना खतरेगा बोल के तो आप सब उसको वेलकम करते हुए वे बोलता है कि जल्दी से इसको डिपोर्ट करना ये सब इशूज़ को यहाँ डिस्कस करता है और जैसे कि रिजर्व डी रिजर्व का इशूज़ है बहुत सा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी उठाता है इसको तो अभी आप सो भी ये बोल रहा है कि डी रिजर्व जो कहा जहाँ जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है ना इसको दिल रिजर्व करना है और बाकी जहाँ में जरूरी मतलब ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट करना है जैसे कि हमारा पहले में जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में साई बोल के था वो जब इशू को पूरा उठाया तो अभी आपसू भी उसको इंटरेस्ट ये इशू को लेके मतलब एक लार्जर प्लेटफॉर्म में इसको क्योंकि आपसू का प्लेटफॉर्म लार्ज है तो लार्जर प्लेटफॉर्म में इसको ले जा रहा है क्योंकि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कि आप देखता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि ज़मीन तो ज़्यादा है लेकिन पहाड़ है तो ह्यूमन सेटलमेंट आर वेरी लेस जो प्लेन एरिया है तो इसको क्या करता है कि जहाँ जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है जो बागान कर रहा है घर है उसी में जो जो फॉरेस्ट एरिया जाने अनजाने में जहाँ में हो चुका है उसको डी रिजर्व करना है और जहाँ में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है उसको रिजर्व बनाए बनाया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है तो ये सब इशूज़ को यहाँ डिस्कस करता है जैसे कि और कुछ कुछ का स्पीकर डिस्ट्रिक्ट का ये कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं में ये बना के रखा हुआ है आई कुछ कुछ बना के रखा है और पॉली बना के रखा है फंक्शन नहीं है जब फंक्शन करना ही नहीं था तो गवर्नमेंट का पैसा को महसूस क्यों करते जहाँ तहाँ बना के रखा यूज़ करता नहीं और जहाँ जरूरी है वहाँ बनाता नहीं जैसे आनिनी में जैसे कि आनिनी का जो लीडर जो बोला है कि वहाँ में हायर सेकेंडरी में एक ही हायर सेकेंड्री है वहाँ में साइंस स्ट्रीम ने है कॉमर्स ने है तो गरीब बच्चा वहाँ का साइंस में जो पढ़ने दिले कहाँ जाएगा अपना वो तो ये में रोइंग में आना पड़ेगा रोइंग में फिर रिलेटिव्स नहीं होने से रेंट हाउस में भी पड़ेगा आजकल हॉस्टल टिक तक नहीं घूमेंगे ये सब इशूज़ को यहाँ चर्चा करके तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का इशूज़ को यहाँ प्लेस करता है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेबर आपस है इसको गवर्नमेंट को समीशन करता है और यही इशू को हम लोग नेक्स्ट जब फेडरल मीटिंग करेंगे इसमें फिर सवाल जवाब होगा आप ये इशू को पहले ले गया था गवर्नमेंट कितना सोल्व किया और अभी कितना बाकी है उसको फिर नेक्स्ट में दिक्कत करते हैं तो ये है फेडरल असेंबली का ड्यूटी और यहाँ बहुत कुछ चर्चा हुआ बहुत कुछ इशू में चर्चा हुआ आई को लेकर हुआ उसका बाद में सोशल ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर का आजकल ड्रग्स हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो आपसू सेंडर मेम्बर उसको ये इशू को भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट है सीरियस है तो गवर्नमेंट को अभी बात करेगा तो यहाँ में जो जो इशू आज रेजुलेशन में हम लोग एडप्ट करेगा चार्टर ऑफ डिमांड में जो हम लोग आगे ले जाना है जिसको हम लोग यहाँ एडप्ट करेगा उसको ये लोग अभी अच्छा से उसको पॉइंट्स वाइस बना के गवर्नमेंट को करेगा और उसको गवर्नमेंट को शामिल करके कभी टाइम भी दे दे सकता है कुछ कुछ इशू को कुछ कुछ को तो ऐसा है कि टाइम फ्रेम में होता नहीं वो लॉन्ग समय भी है उस इसके मुताबिक अभी आप सोचो इसको सेंट्रल के मेंबर जो अंडर दर्सनशिप ऑफ रोजी तना तारा और लीड करेगा इसको यही होना भी डिस्ट्रिक्ट का जो किया गया है उसमें सबसे कॉमन इशू क्या था सबसे कॉमन इशू तो आपका वही टीचर पोस्टिंग को लेकर है उसका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है जैसे कि कहीं कहीं टीचर को बोलता है कि ये आप रोज ड्यूटी करना है देखता कातर नहीं होते वो एक समस्या है वो एक प्रॉब्लम है उसको सब लोग का एक यह है और दूसरा है कि हमारा लोकल टीचर लोग अपना अपना जगह में मतलब ड्यूटी नहीं करते मतलब हर कोई नहीं कुछ कुछ लोग मैक्सिमम तो ड्यूटी करता है लेकिन कुछ कुछ लोग ड्यूटी करता नहीं बहानाबाजी करके तो वो सबका डिस्कशन हुआ है कि होम टाउन में नहीं करने से अच्छा है ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को और जो पहले एजुकेशन जो एक्ट टू थाउजेंड टेन में बनाया वह तो क्लियर कट लिखा हुआ है तो कि अब तीन साल में रूलर में एक ट्रांसफर लेना है कभी अर्बन सेमी अर्बन रूलर सेमी रूलर करके बनाए तो तो उसी मुताबिक आज बोलो क्यों नहीं हो रहा है और दूसरा मेन सबका डिस्कशन डिस्ट्रिक्ट यूनियन का और सेंट्रल आपसों आप का ये एक डिस्कस था ये ड्रग्स को लेकर आज का दिन में। कि अभी हर दिन में ड्रग्स हर केस पूरा ड्रग्स का ही केस आ रहा है स्पेशली पुलिस आयरबेन मैक्सिमम को भी आज पकड़ रहा है मतलब जो जो ड्रग्स ये है सेलर है मैक्सिमम देख रहे हैं तो पुलिस भी है उसमें स्पेशली हमारा कुछ आयरबन जबान भी है इसको मतलब किस हर से गवर्नमेंट टैक्ल करना है और उसको दी एडिक्शन सेंटर पर स्पेस में बड़ा बड़ा दी एडिक्शन सेंटर पाँच तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें बनाना है जैसे कि तिरप तिरप में एक माने तिराप बेसन में एक लोहित में एक जो आपका सुभन श्री बेसन में एक उसका बाद में आपका शियांग में एक कामिंग में एक और कैपीटल में एक ऐसे पाँच छः करके बनाना है बोल के पर स्पेस में क्योंकि अभी जैसे कि हर कोई बच्चा का अभी ड्रग्स कोई को ले तो रहा है उसको तो मारपीट के फायदा है नहीं और आशा में अभी तो बहुत लोग एन जी लोग खोल गया बहुत अच्छा अच्छा एन जी ओ भी खोल गया और बेचने के लिए पैसा नहीं होता है तो एक आदमी द्रग्स लेता है तो सारा परिवार का प्रॉब्लम है तो इसलिए इसको आपसू का आपसू लीडर ने सेंट्रल मेंबर ने इसको और डिस्ट्रिक्ट लीडर जितना भी डिस्ट्रिक्ट से आया और जितना आपसू का जो ये है आपका एक्टिविस्ट है उसने वही बोला दी धीरे धीरे पाँच तो बनाना है कंपल्सरी गवर्नमेंट को पाँच छः तो अभी पार्ट पेस में बना के उसका बाद नेक्स्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइस धीरे धीरे इसको बनाना है बोल ये बोला और और मेन उसका बाद और ये का भी बात हुआ जैसे कि कॉलेज को जैसे कि कुछ कुछ जगह में मतलब साइंस कॉलेज जो बी ए सी है बहुत कम है और और खोलना है इसको चार पांच तो और खोलने से ठीक है ताकि हमारा लड़का वो साइंस में भी अच्छे से जा सके और एक एक कॉलेज में जहाँ के आर्ट्स कॉलेज भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट में वहाँ गवर्नमेंट दे के मैंने ध्यान देख के उसको कॉलेज को बनाना ये सब डिस्कशन हुआ इसमें तो यहाँ से डिस्कशन करने के बाद हम लोग इसको क्या करता है कि फेडरल असेंबली में इसको पूरा को पूल प्लेज इसको हम लोग सील कर देते हैं मतलब यही इशू को आप सो आगे जाकर डिस्कस करेगा वो और कैरी करेगा वो तो आप सो लोग इसको ले जाएगा हमारे सेंट्रल ए मेम्बर लोग उसके बाद इटानगर में जाके गवर्नमेंट को समित करेगा ये हमारा चार तरफ डिमांड है इस बार का इसमें हम लोग काम करेगा और गवर्नमेंट इसमें ध्यान देना है आपसों का जो डिमांड को और गवर्नमेंट इसको फुलफिल करना है बोल और दूसरा ये भी एक चर्चा हुआ जो अनलोपुल एक्टिविटी बिल को लेकर अनलॉपुल एक्टिविटी बिल तो एक ऐसा है कि एक एक्टिविस्ट एक को सोशल एक्टिविस्ट को कर्तल करने का एक तो चीज़ है जैसे कि एक साल का आप कुछ होता है तो गवर्नमेंट चाहेगा तो आप एक साल का जेल रख देता नो बेल नथिंग तो ये एक इशू है जो सोशल एक्टिविस्ट को या इस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी समाज के लिए काम करता है ये एक आरोरा मन बीच में एक तो प्रॉब्लम्स आ रहा है इसलिए इसको गवर्नमेंट रीमोडिफाई करना लेकिन हटाओ नहीं बोल रहा है क्योंकि आज कल समाज में ऐसा है कि बेकार लोग भी बहुत है तो

फर्स्ट क्लास ऑफिसर आपका कोई भी गार्जियन पास क्लास ऑफिसर वो अंदर तेकिंग करना पड़ता है कि ये मेरा बच्चा निकाल के कुछ नहीं करेगा ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा तो ये एक सोशल जो एक्टिविस्ट को एक मैंने रायत को करतल करने के लिए एक तो गवर्नमेंट का एक साजेस्ट भी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट का नहीं तो पहले वाला गवर्नमेंट बनाया तो तो ये गवर्नमेंट का हाथ में तो दो दो लद्दू आ गया जैसे उसी को कंटिन्यू कर रहा है तो ये नया गवर्नमेंट है और हमारा सी एम भी योंग है और ये चीज़ को एक्टिविस्ट का ये को भी समझना चाहिए और मोडिफिकेशन में वो मतलब इसको भी सोच के कुछ करना है ये डिस्कशन यहाँ में आप लोग लोगों की तरफ से इसमें कुछ मेमोरी ने समिट किया था इसका बारे अभी अभी करेगा वो लोग पहले नहीं किया सर मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है ये जो इनर लाइन पास है आ, जैसे कि आज बहुत सारा डिमांड आया कि इनर लाइन पास को अच्छे से चेक करना चाहिए लेकिन सबसे जो जड़ है जो कीमिन गेट हो गया जो घुमते हो गया अगर लोग वहाँ से ही पैसा देके घुस जाते हैं और यहाँ पे आके फिर कुछ दिन के बाद चेकिंग होता है फिर उसको आसान फेंक देते हैं फिर वापस वही जो रूल जो है पैसा देते हैं वापस आ देते तो उसको लेके आप लोग का आपसू मेम्बर्स अभी क्या करने वाले हैं मतलब कुछ नहीं नहीं ये देखिए आपसू इसीलिए हम लोग आज हम लोग एक ऐसा होता है कि जो फेडरल जो जैसे कि मैं इस पर मेरा देखो इस पर स्पोक्स पर्सन ये जितना मेंबर है या हमारा सेक्रेटरी जो तो हम लोग का ऐसा होता है कि यहाँ में फेडरल असेंबली इसलिए कराता है कि ये सब इशू को यहाँ में डिस्कस करके सेंट्रल मेंबर को मतलब जाने देना है कि ये इशू आज हो रहा है तब तो क्योंकि ये लोग केरी फॉरवर्ड करेगा तो इसीलिए आईएलपी को क्या बोला है आईएलपी देखिए अरुणाचल प्रदेश को आगे बढ़ना है तो बाहर से भी लोग इन्वेस्ट करना है बाहर से भी काम करना है हमने माना नहीं किया हम ये बोल रहे हैं कि अब एक सिंपल एक आप जो आईएलपी को मैंने लेने में प्रॉब्लम क्या है अब लेता नहीं इतना आदमी का लापरवाही है वो आदमी लोग क्राइम करके जाता है क्योंकि उसका इंटेंशन क्लियर होता है ना हमारा सबूत नहीं चौधरी वो लोग आईएलपी नहीं लेते बाकी लोग तो लेके आता है और आईएलपी का रूल स्ट्रिक्ट फॉलो करने जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम है उसमें उसको तो अभी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करने जाएगा तो यहाँ में सिर्फ आदमी घूमने आ सकता है काम तो कर ही नहीं सकता तो कुछ कुछ काम तो ऐसा हो गया कि उसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन डाल के भी आज उपाय नहीं जैसे कि कुछ कुछ काम ऐसे होता है कि स्वीपर वाला काम हम लोग का आदमी तो जैसे स्वीपर में नौकरी ले लेते हैं दियोती तो स्वीपर तो कभी करता नहीं है तो तो उसमें तो अवसात आदमी ही करना पड़ेगा वो सब काम है उसका बाद में जैसे चौथा मोथा काम होता है मिस्त्री का काम प्लम्बरिंग का काम ये तो ज़रूरी है और बड़ा इन्वेस्टमेंट जो जैसे टाटा लोग हो गया अभी फेमस लोग हो गया अंबानी लोग हो गया उसको इन्वेस्टमेंट भी तो करना यहाँ जरूरी है तो हम लोग स्ट्रिक्ट एकदम माने है, 100 परसेंट इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं बोला लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे कि आप जब आई एल पी लेते सब आप ये आधार कार्ड को दे दीजिए जीरोक्स के हो गया तो आधार कार्ड नंबर है आप उसमें ये सब चीज़ को सब ने डिस्कस किया और सब वो सब वही बोला है अगर जानबूझ के आई एल पी को यदि आपने मतलब अप्लाई नहीं किया तो उसका तो प्रावधान है ना उसको तो जेल में रखना है मालिक को एक्चुअली उसका जो मालिक लाया है उसको गवर्नमेंट एक्शन लेना है अभी एक्शन नहीं लेता है जस्ट गेंद का बाहर देता है बच्चा का, बच्चा का मतलब, जब ये बैलत करता है तो आपको सिंपल सा आपको गेंद से आई एल पी जैसे इशू लिखना है मिल जाता है तो आप उसको भी नहीं लेता है तो जान बुझके बैलत करने वाला को तो जेल में रखना है ये रूल कानून में है वही डिस्कस किया है नहीं नहीं, नहीं यहाँ में पूरा शामिल है सिर्फ हम लोग का तो ऑप्शन है क्योंकि तुआंग में कुछ आपस में इशू हो गया था इसलिए उसको रिजर्व किया है लेकिन अभी तो का इलेक्शन शायद आज या कल उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा नया इलेक्शन का नोटिफिकेशन दे देगा तो हमारा पर्सन सर ऑलरेडी इसमें कंसर्न है तो शायद ये ट्वेंटी -ती तक उसका इलेक्शन भी हो जाएगा तो सिर्फ नया बाकी सब सवाल आपने कहा था कि ये पहले असेंबली में एक मुद्दा था कि जो जो ड्राफ्ट उसका एडिक्शन का और देखा जाता है कि अरुणाचल में ज़्यादातर जो कंज्यूम जो करता है, जो है। और तौर से जो, जो स्टेट का अंदर आपका है, का अभी भी वही डिस्कस किया सब, सब बोला है कि सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में मांग रहा है सेंटर हमारा इधर बहुत बहुत हो गया हर डिस्ट्रिक्ट से यही चीज़ आ रहा है लेकिन गवर्नमेंट को एक साथ में पच्चीस डिस्ट्रिक्ट में बनाओ बोलने से भी तो वो भी तो होता नहीं है तो अचानक से तो इसलिए हम लोग क्या है कि हम लोग सोचता है कि डिमांड ऐसे होना है कि जो गवर्नमेंट भी कर सके चाहे इस बार पाँच ना ये बजट बाज़, फाइनेंशियल बजट में पाँच डाल के नेक्स्ट में फिर गवर्नमेंट को लगेगा कि उधर जाएगा वो और पाँच फिर अनदर पाँच ऐसे करके जा सकता है तो इसीलिए अभी मेजर सेंटर पाँच तो बना हुआ इसीलिए यहाँ का जीरो का जिससे यूनियन ने माना लोअर समुद्री का उसका भी कहना यहाँ में बहुत ज़्यादा है तो हम स्टर्न कम्युनिटी को ऐसे मतलब नोट ऐसे स्पीकर नोट ऐसे अपसो ये जो एक एल्डर का होता है होने के नाते एक सीनियर स्टूडेंट लीडर होने के नाते जैसे कि मैंने सर्विस में स्टर्न यूनियन में 20 साल 20 साल ज़्यादा हम गवा दिया तो तो उसमें उसका एक्सपीरियंस का मुताबिक मतलब हम वही बोलेगा आप हमारा स्टर्न लोग कुछ ना कुछ में आप इंगेज रहिए जैसे कि आप फुटबॉल खेलिए क्रिकेट खेलिए या कुछ भी काम नहीं होने से सोशल काम में घूमिए ब्लड डोनेशन का ग्रुप होता है आपका एन मतलब क्या ग्रीन एक्टिविस्ट लोग होता है या एनिमल लवर लोग होता है एक एक एन जी का साथ आप जोड़ जाइए अगर आपको मन कहीं भी नहीं लगता है तो ऐसे एक एन जी का साथ जोड़ जाइए और कुछ खेल सेल में आप जोड़ जाइए ताकि अपना माइंड को आप डाइवर्ट करने के लिए द्राक्स में देखिए आप तो पीता है आप मर जाने से तो बोलने से तो इतना इशू भी नहीं है ना लेकिन आपका साथ अब आप ये मत बोलो कि आपका माँ पिताजी भाई बहन सब आपका घर वाला परेशान होता है हम तो बहुत ये इसमें परेशान है हम तो इसमें कंसिडर नहीं करता मेरा एक भाई है उसको तो एक साल हम लोग जेल रखा डायरेक्ट बेल नहीं लिया सीधा बात है ना ऐसे हर पेरेंट्स जो अपना घर का जो बच्चा को एक दो बार समझाने का बाद जो ज़बर से ज़्यादा करता है उसको जो एक्शन जैसे लेना है ना उसको लेना है एक बार किया प्यार से समझाए दो बार किया प्यार से समझाए ज़्यादा करता है तो उसको तो कोई कोई द्राक्ष भी बेचता है उसको जब जेल जाता है तो बेल लेना नहीं है इसको सबक भी सिखाना बहुत ज़रूरी है एकदम ज़रूरी है और बाकी इतना दु, लाइव दुनिया लाइव एक बार ही मिलता है तो उसको अच्छा से जीने से अच्छा ये द्रक् रक्ष ये में चीज़ में नहीं रहने से अच्छा यंग जनरेशन को हम वही अपील बोलेगा सर एक सवाल है जो प्रेक्शन वाला डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि उसको कब शुरू करेगा का कुरुं, अभी परिक्षण वाला ऐसा है कि दो तीन तो है एक तो है कि परीक्षण और दूसरा है कि एक तो इशू आ रहा है जैसे कि लास्ट टाइम चंगलांग का एक इशू आया था उसका जनरल प्रेसिडेंट जो बीजेपी का मॉडल इलेक्शन में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उन लोग का मंदिर इलेक्शन में तो वो सब इशू कॉम्प्लेंट सब आया लेकिन इलेक्शन हो गया अभी नया है अभी वो सब को इशू का अभी दो तीन डिस्ट्रिक्ट ही है प्रॉब्लम वाला और इसको हम लोग ये जो ये असेंबली होने के बाद इसका ऐसा सिस्टम होता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है ना वो एक तो ये बनाएगा आपका उसको सोल्व करने एक लाइक इंचार्ज बनाएगा वो इंचार्ज मेरा साथ स्पीकर का साथ डिस्कस करके हम लोग बैठ के एक एक अल्टरनेट निकाल के हम लोग लगभग ये आपका

हमारा जो हमारा जो छोटा भाई दोजी और रितम ताली दोनों का लीडरशिप में, में मेरा ख्याल से आप सब अभी अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा जाएगा और हम लोग सब फेडरल टीम इस, मैंने असम्बली टीम भी एक्सपेक्ट करता है कि इस बार ये लोग पूरा जितना भी ये प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट को, हम लोग अब पूरा देखा है इतना इशू नहीं है कि जो गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकता है हाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बनते बनते टाइम ला सकता है और चकमा का जो डिफोर्टेशन है ना वो तो सेंट्रल इशू है तो और मोदी रिजर्वेशन का भी इशू है वो भी एक सेंट्रल इशू है उसमें उसमें तो आपसू और गवर्नमेंट मिलके काम करना पड़े कुछ कुछ इशू ऐसा होता है कि गोर्मेंट और आपसू मिलके काम करना है झगड़ा करके भी फ़ायदा नहीं ऐसा वाला इशू है कुछ कुछ इशू है जैसे कि अभी आप टू का जो एजुकेशन जो एक्ट है उसको लागू करना है गोरमेंट खुद बनाया तो लागू करने के लिए तो बनाया अब जब टू का एजुकेशन आप एक्ट को आप लागू नहीं कर सकते तो अन बिल को आप लागू क्यों कर लागू करना है तो जितना भी एक को आप लागू कीजिए ना तो शायद गवर्नमेंट ये मेरा ख्याल से ये सके ये दोनों सकेगा हमको ऐसा लगता है क्योंकि दोनों काम करने के लिए आया है और हम लोग भी प्रेर करता है दोनों का लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हो इस बार आपसे थैंक यू सर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एज बींग देसिडेंट ऑफ ऑल लोअर्ड सेबनश्री डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन मैं सभी हमारा जो लोअर्सन श्री की जो जनता है और अरुणाचल के जो वासी है मैं बताना चाहूँगा कि आज यहाँ जीरो में अबूतानी हॉल में प्रोग्राम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और सभी लोग का माइंड में ये भी रह रहा होगा कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गैदर हुआ है लीडर गैदर हुआ है प्रोग्राम क्या है सिलसिला ये क्या चीज़ है बहुत लोग का कन्फ्यूजन में रहेगा तो इसलिए मैं आप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज यहाँ अबूतानी हॉल जीरो में हपोली में जो आपसू जो इस बार जो नया टीम इलेक्टेड हुआ है अंदर द लीडरशिप ऑफ तनादी तरह प्रेसिडेंट आपसू एंड uh, रितुम तली जियस आपसू एंड अंदर द गाइडेंस ऑफ पैदल स्पीकर मिस्टर दब्या मुझ वो लोग तरफ से इस बार जो पैदल असम्बली सेशन है उसको यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है और ख़ास करके ये पैदल जो सेशन है इसलिए यहाँ बिठाया है कि जो अभी नया टीम जो आपसू इस बार इलेक्ट करके आया है उन लोगों ने अभी कुछ कुछ प्रपोजल चार्टर्स ऑफ डिमांड लेके आया है गवर्नमेंट का साथ ये लोग चार्टर ऑफ दिमान प्लेसअप करेगा और उस चार्टर ऑफ़ डिमांड को गवर्नमेंट का तक पहुंचाने से पहले हमारा जितना डी एश्यूज प्लैन है जितना डी एश्यूस है अरुणाचल के जितना भी डी एश्यूज़ है उन सभी को यहाँ बुलाया है उनका सामने में और उसका चैटर्स ऑफ डिमांड को रखा है कि हम ये ये पॉइंट्स को उठा रहा है गवर्नमेंट का साथ बात कर रहा है इसमें हर एक कॉर्नर कॉर्नर से जो दिए एश्यू पार्टिसिपेट करता है वो अपना अपना डिस्त्री का जो सोच विचार है उसको लेके आ जाता है तो वो सोच विचार को कलेक्टिवली यहाँ डिस्कशन करता है यहाँ डिस्कशन करके उसको फिर हम लोग आपसू को चटर उप दीमान में हम लोग दे देता है और उस चटर उफ दीमान को फिर आपसू जाके गवर्नमेंट में प्लेसअप करेगा तो आज हमने इस बार जो नया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स है अंदर द लीडरशिप ऑफ दोजी तना उसका अंदर में जो भी पॉइंट यहाँ आज डी एस यू के सामने में रखा है ये बहुत काबिल तारीफ है ये हमारे इंडिजीनियस के हित के लिए है हमारे जो स्टूडेंट जो यंगर जनरेशन का हित के लिए जो प्रपोजल लेके आया है ये बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आया है ये मैटर रिलेटेड टू एजुकेशन का मैटर को लेके आया है और मैटर रिलेटेड हेल्थ इशू को भी लेके आया है बाउंड्री और इमिग्रेशन और रिफ्यूजी रिलेटेड इश्यूज को भी लेके आया है और मैटर रिलेटेड स्टेट का जो मैटर है उसको भी लेके आया है ख़ास करके हमने आज एज ए लोअर सबनसरी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हमने एक आपसू को हमारे तरफ से दो तीन पॉइंट हमने रिक्वेस्ट किया है कि चर्ता डिमांड में उसको प्लेसअप करना है हमारा लोअर सबनसिरी डिस्ट्रिक्ट तरफ से हमने तो तीन पॉइंट आपसू का साथ सप्लीमेंट किया है कि जैसे कि आपका रेगुलेटिंग द पी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेटली फाउंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसका बारे में हमने बोला है कि जो प्राइवेट स्कूल का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो स्टैंडर्ड का हिसाब से फी स्ट्रक्चर को बनाना है वो आउटलुक स्टैंडर्ड सिस्टम सिर्फ नहीं है उसका स्टाफ सिलेक्शन कैसे है स्टाफ का क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है बच्चा को किस क्वालिटी से रख रहा है उस क्वालिटी को देखते हुए एक फिक्स फी मैंने पिक्स करना है तो उस बेसिस में आप रेगुलेट करने से है बोल के हमने प्लेसअप किया है और ख़ास करके जो आईएलपी का जो इश्यूज़ है उसको भी हमने उठाया आप सामने में कि आईएलपी का जो इश्यूज़ है उसको हर साल हम लोग इश्यूज बना के उठाते हैं आईएलपी चेक करना है लेकिन उसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो अप नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम जब जब बानद्रदेवा कीमिन जैसे हम लोग जो मेन पॉइंट से एंट्री हो जाता है उसके बाद जो रिमेनिंग जो चेक गेट है उसमें आई चेक करना भूल जाता है तो उसका वजह से हमारा यहाँ में ज़बरदस्ती वहाँ से जो इमाइ्रेंट है घुस के सेटल हो जाता है तो उसका वजह से हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं करके कहीं ना कहीं से क्राइम रिलेटेड इश्यूज भी निकल जाता है तो इसलिए हमने उसको आई एल पी शुड बी चेक इन ऑल द चेक गेट्स ऑफ द स्टेट स्टेट का जितना भी चेक गेट है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हो चाहे वो कहे कहीं भी कोना में हो जहाँ चेक कैट दिखाई देगा वहाँ में आई एल पी चेकिंग मैंडेट्री करना है बोल के हमने फ्लैसअप किया है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपसु ने एक इश्यूज जो लेके आया है जो ड्रग मीनस के लिए ड्रग्स जो अभी बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी और हमारे अरुणाचल में भी बहुत ख़राब स्थिति में है हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो रहा है उसको लेके कर ने का सामने में एक बात रखने के लिए वो लोग पाइप मेजर ड्रग्स रिहेबलेसन और डी एडिक्शन सेंटर खोलने के लिए वो लोग डिमांड करने जा रहा है तो उस डिमांड में हमने एज ए लोअर सबनसरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का यूनियन के हिसाब से हमने मेरा एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपसू को एक रिक्वेस्ट किया है कि हमारा लोअर सबनश्री में उस पाइप यूनिट में से एक यूनिट को यहाँ बिता दीजिए कि ड्रग्स यहाँ हमारा इधर भी बहुत पीड़ित है और ख़ास करके कमले का करादादी का कुरुकुमे का जो अपर सुबनस्री का है हमारा यहाँ आके जो रिहेबलेसन सेंटर में रह सके रिहेबलेट हो सके उसको हमने सोच के एक लोअर सबनसरी में हमने प्रपोज दिया है और मैं मानता हूँ कि अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ इस बार प्रेसिडेंट आप ताना दोजी का तरफ से शायद ये डिमांड को शायद वो लोग गवर्नमेंट अगर फुलफ़िल करता है तो खास करके हमारा जो सोच हम लोग का लोअसबनसरी स्टूडेंट यूनियन का जो डिमांड है उसको भी वो शायद फुलफ़िल करेगा मैं ये अपेक्षा करता हूँ और हमने आपसू को आपसू के सामने में जो ऑफ स्प्रिंग ईशूज़ है जो पेंडिंग रहा है हमने पहले यहाँ ऑफ स्प्रिंग इशू के लिए बंद कॉल किया रैली किया था उस समय भी हमने बोला था कि ये ऑफ स्प्रिंग ईशूज़ जो कंटिन्यू चलेगा जब तक ख़त्म नहीं हुआ चलेगा हमने बोला था तो इसलिए इस बार का जो नया टीम को हमने अपील किया है कि ऑफ स्प्रिंग ऐशू को टेकअप करना है बोल के और ख़ास करके उसका साथ साथ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट को भी एक्ट को भी थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है तो इसलिए आज का जो यहाँ प्रोग्राम है ये ख़ास करके जो इशू रिलेटेड आपसू किस इशूज़ को लेके जाना है उसी को ही आज डिस्कस कर रहा है तो ये प, ये, पे, ये, है। ये फेडरल असेंबली जो कितना दिन तक चलेगा? ये फेडरल असम्बली आज मॉर्निंग सेशन तो अभी चल रहा है कल यहाँ आपसु टीम और हमारे डी एस टीम लोग आया है उसके बाद आज यहाँ दो सेशन होगा एक मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन है उसका बाद कल सुबह फिर हम लोग का मॉर्निंग सेशन है कल सुबह हम लोग डिफर्चर हो जाएगा एक दिन का एक दिन दो रात का प्रोग्राम है तो इसलिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये स्टैथ रिलेटेड इश्यूज के लिए तो आपसे इतना सवाल है कि ये लॉस मैं डिस्ट्रिक्ट का आप एज प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन को होने होने के नाते तो लॉस मैं डिस्ट्रिक्ट का अंदर में देखा जाता है कि जितना भी जो गवर्नमेंट जो स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा तो बहुत ख़राब है और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो मिड डे मील होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट को जो दिया जाता है खाना पीना तो वो भी रेगुलरली नहीं दिया जाता है तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है एक्चुअली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल में खास करके हमने भी विजिट किया है हमने भी मेरा टीम ने सर्वे किया है और सर्वे करके हम लोग ने जो रिपोर्ट बनाया है उसको डी डी एस कंसर्न को हम लोग सबमिट किया है उसका बाद उसको हम लोग टेकअप करके इवन मिनिस्टर लेवल में भी हम लोग टेकअप किया है सेक्रेटरी लेवल में भी तेकअप किया है तो ऐसे हो के अभी आपका पेस वाइज में डेवलपमेंट तो कर रहा है अभी हम दिखाई दे रहा है और अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आपका हमारा हम लोग का जो डी डी है तबिया चौबिन का सार का तरो से वो भी कंसिस्टेंटली पार्सुंस कर रहा है हायर अथॉरिटी को कि हमारा लोअर सबन का स्टूडेंट हमारा स्कूल का जो हालत है उसको लेके उन्होंने भी बहुत काफ़ी निंदा किया है और उसके हिसाब से प्रपोजल भी बहुत भेजा है ख़ास करके स्टूडेंट जो रिलेटेड को लेके उन्होंने भी बहुत कोशिश कर रहा है और उसका साथ हम लोग भी योगदान दे रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करके रखा है उसको ख़ास करके जो एरिया का जो लीडर है ग्राम पंचायत है एसएमसी है वो लोग थोड़ा अच्छा से संभालने से तीख है क्योंकि अभी जो जितना भी बनाया है उसको भी संभालने नहीं सकता है और फिर हम लोग नया मांगने के लिए तकलीफ भी हो जाता है तो इसलिए जो जो थोड़ा मोरा जो भी आता है उसको हम लोग बढ़िया से यूटिलाइजेशन करना है और प्रिजर्व करना है ये मेरा तरफ से अपील है कंसर्न एरिया का जो एस और ग्राम पंचायत जो भी है उनको मैं मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है तो मिड डे मील का और मिड डे मील का जो बात है उसको हम लोग ने भी दीदी एस सी से भी हम लोग बात किया है मिड डे मील का अभी थोड़ा सा रिक मिक्स रिएक्शन है मिड डे मील का डायरेक्टली स्टूडेंट का अकाउंट में पैसा जाता है किसी का डायरेक्ट डीबीटी सिस्टम भी है और किसी का ऐसे भी नहीं है तो ऐसे करके थोड़ा सा मिक्स है तो इसको एक इस बार जो आपसू एक पॉलिसी बनाया है और एजुकेशन मिनिस्टर ने भी उस दिन ऐलान किया है कि इस बार जो इस्टाफिन हो गया जो भी मिड डे मील हो गया जो भी है डीबीटी करेगा डायरेक्ट अकाउंट पे अकाउंट ट्रांसफ़र करेगा बोल के बोला है और ये पॉलिसी हम लोग का जैसे जो जीरो और हमारा याचूली या जाली जैसे जगह के लिए हम उसको वेलकम करता है कि वो पॉलिसी को लागू करना है ताकि बीच का जो आदमी है कंटेक्टर बोलो या भी कोई भी बोलो वो बीच का आदमी नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट और गवर्नमेंट का साथ डायरेक्ट टचिंग होना चाहिए तब जाके हमारा मिड डे मील का करप्शन भी रुक सकता है तो इसलिए ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है अंडर द ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन का तरफ से जो स्टेप उठा रहा है उसको हम वेलकम करता है और ये इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी भी है आखिरी में एक सवाल है कि आपसे आपको तो पूरा सभी को तो मालूम है कि अभी ये नौ को जो बनकुल होने वाला है उसका रीज़न भी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो एस का, जीएस का, में कुछ ये एलिगेशन का लगाया है जो, तो हाँ जो बंदकोलर किया है उसका इंटीमेशन लेटर हमको भी दिया है और इसका पीछे में क्या एग्जैक्टली कहानी है अभी तक हम एग्जैक्ट जो पॉइंट है हम भी अभी तक डिटेल नहीं ले पाया और डिटेल क्यों नहीं ले पाया बोलने से हम भी ये आपसू के जो प्रोग्राम है इसके लिए हम भी थोड़ा बिजी था और मैं इसमें अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो एस साहब से एस सर उसको तुरंत इंटरवेंशन करके ये केस को जल्दी रपा दप्पा कर देने से तीख है मामला को सुलझा देने से तीख है और अगर हमारा जो स्टूडेंट लीडर है हमारा जैसे आंसू हो गया जो भी स्टूडेंट लीडर उसका साथ अगर सच में ये इंसिडेंट ऐसे किया है या मिसबिहेव हुआ है, है तो उसका हम करी से करी निंदा करता है कंडेम करता है ऐसे नहीं होना चाहिए और जो भी सिविल आदमी होने से भी जब ऑफिस में आता है आप प्यार से बताइए क्या, क्या है क्या नहीं उसको बताइए इसलिए उसको हम अगर ऐसे किया है मिसबिहेव किया है तो सच में किया है तो ये कंडमनेबल वाला चीज़ है और उसको शॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा एसपी साहब दोनों मिलके शॉर्ट आउट कर देने से ठीक है ओके थैंक यू